इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर एक साल की बुलंद तरीन सतह 169 रुपए पर पहुंच गया है। मजीद जान लेते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, कारोबारी हफ्ते का पहला रोज क्या सूरत हाल देखेगी ट्रेडिंग के दौरान? ट्रेडिंग के दौरान देखें, इंटर बैंक में भी डॉलर महंगा हुआ, उसके असरात में कि ओपन मार्केट में डॉलर समेत तमाम करेंसी महंगी हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर जो है 30 पैसे मजीद महंगा होकर 169 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया है और ये एक साल की बुलंद तरीन सतह है। ओपन मार्केट में यूरो भी जो है 50 पैसे कमी से 199 रुपए पर पहुंच गया है और साथ में बरतानवी पॉइंट 1 रुपए महंगा हुआ है और एक साल की बुलंद तरीन सतह 234 रुपए पर पहुंच गया है। साथ ही इमारती दरहम भी 25 पैसे महंगा होकर एक साल की बुलंद तरीन सतह 46.45 रुपए और सऊदी रियाल भी 25 पैसे महंगा होकर 45 रुपए की बुलंद सतह पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर एक साल की बुलंद तरीन सतह 169 रुपये पर पहुंच गया है। रुपये पर प्रेशर मुसलसल बरकरार है और गुज़श्ता चंद अरसे से डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है और आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ और ट्रेडिंग के दौरान एक बार फिर से डॉलर महंगा हो गया। अशरफ खान हमें इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। अशरफ, बताएगा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल प्रोडिक्ट जा रही है, क्योंकि गुज़श्ता चंद दिनों से मुसलसल डॉलर की कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है, तो इससे महंगाई में भी इजाफा होगा? अगर देखें, इंपैक्ट पाकिस्तान ने अगस्त में जो है 6 अरब डॉलर की दरामदाद की थी और पाकिस्तान 80% जैसे दालें हैं, दीगर अजनास है, घी तेल है, सब इम्पोर्ट करता है। उसकी कीमतें अगर आप देखें तो डॉलर 4 माह में 15.82 रुपए महंगा हो चुका है। उसका इम्पैक्ट देखें, जो महंगाई की जो रफ्तार है वो मजीद बढ़ जाएगी। पहले ही अगर हम देखें तो मुसलसल हर हफ्ते जो है महंगाई की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन अगर दरामदी बिल जो जैसे बढ़ रहा है तो उसके लिए दरामदी अदायगी भी ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि पहले अगर हम बात करें कि 4 महीने पहले डॉलर जो है 152 रुपये का था, अब 169 रुपये पर पहुँच गया, तो इजाफी 15.80 रुपए अगर आप 1 डॉलर पर देंगे तो तमाम अशिया फी डॉलर के हिसाब से आपको ज़्यादा अदायगी करना पड़ेगी। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि पाकिस्तान की जो दरामदाद हैं, जैसे हम सितंबर की बात करें तो वो मजीद महंगी आएंगी, उससे महंगाई की रफ्तार में मजीद इजाफा होगा। और सबसे इम्पैक्ट ये है कि महंगाई की जो शरह अगर बढ़ती है तो स्टेट बैंक की जो मॉनिटरी पॉलिसी आती है वो इसको फोकस करती है। महंगाई की शरह बढ़ती है तो उसके हिसाब से शरह सूद को भी देखा जाता है कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो माशी अदद तो शुमार देखें तो वो अभी जो इंट्रैक्ट कर रहे हैं कि रुपया दबाव का शिकार है, उसकी वजूहत हैं पाकिस्तान की दरामदाद बढ़ना और साथ में कोरोना वैक्सीन जो आ रही है, कहा जा रहा है माहरीन का 30 से 35 लाख डॉलर की जो है वैक्सीन जो है योमिया लगाई जा रही है, उसका भी इम्पैक्ट है कि मुल्क भर में जो कोरोना वैक्सीन है वो जो आवाम को लगाई जा रही है उसके लिए दरामदी बिल पर उसका बोझ पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो दरामदी बिल बढ़ रहा है उसका भी बोझ पड़ रहा है। काम तेल की कीमत बढ़ी है उसका भी बोझ पड़ रहा है। तो ये तमाम इम्पैक्ट है जिसकी वजह से रुपया दबाव का शिकार है। अशरफ खान, ये भी कहा जा रहा था कि चूंकि प्राइस बॉन्ड खत्म किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से, 40,000 वाला जो प्राइस बॉन्ड है स्पेशली, तो अब लोग जो है वो डॉलर को खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं, तो ये भी वजूहात में शामिल है कि डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। स्टेट बैंक की जाने से 25,000 और 40,000 के प्राइस बॉन्ड को खत्म करने का अंदिया दिया गया था, उसका वक्त भी दिया गया था जिसको कैश करा के दीगर उसमें मुंतकिल करना था, लेकिन उसको कैश कराने के बाद जिसमें 400 अरब रुपए की सरमाकारी हुई थी दोनों प्राइस बॉन्ड में, तो वो कैश होकर वो डॉलर भी खरीदे जा रहे हैं, उसकी वजह से भी दबाव देखा जा रहा है। साथ में अफगानिस्तान की जो सूरत हाल थी उस पर भी कहा जा रहा था कि वहाँ के जो 9.5 अरब डॉलर के जो उनके ज़खायर थे अफगानिस्तान से वो मुंजमद हुए थे, उसके बाद जो है पेशावर में भी और क्वेटा में भी डॉलर की खरीदारी बढ़ गई थी और उसकी वजह से तलब बढ़ने पे ओपन मार्केट में भी ज़्यादा खरीदारी हुई थी जिसकी वजह से डॉलर मुसलसल बढ़ रहा था। इस वक्त देखें हम सिर्फ 4 माह। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे।